द पावर फैक्टर ऑफ अ एल सी आर सर्किट एट रेजोनेंस विल बी, और ये ऑप्शन हमको गिवन है 1, 0, 1/2, 1/√2। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक एल सी आर सर्किट है। कैसा है? एल सी आर, ठीक है, और वो भी कैसा है? रेजोनेंस में है, तो इसका पावर फैक्टर कितना होगा? ठीक है, तो पहले समझ लो एल सी आर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टर। ये एसी सोर्स से जुड़ा है, तो जब एसी सोर्स इसको जोड़ते हैं तो बच्चों यहां पे एक पावर लॉस होता है, पावर लॉस। तो पावर लॉस सर का फार्मूला क्या होता है सर्किट का? वो होता था पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यहां पे जो कॉस फाई होता है इसी को बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और इसका फार्मूला होता है आर अपान जेड। किसके बराबर होता है? आर अपान जेड। बात यह है कि यहां पे जो जेड है वो क्या है भाई? जेड को बोलते थे इंपेडेंस। जेड क्या होता था? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक, जैसे यहां पे एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है? ये होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहां रख दे तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। यानी कि अब अगर ये वैल्यू जेड की यहां पे पुट कर दो तो कॉस फाई क्या आएगा बच्चों, बताओ? यह आएगा आर अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी फॉर रेजोनेंस, फॉर रेजोनेंस। रिजोनेंस में क्या होगी भाई? तो रिजोनेंस कब होता है? जब एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के। ठीक है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं। वैसे तो बेसिक कंडीशन थी कि जब वोल्टेज दोनों पर सेम हो जाए, वीएल बराबर वीसी, जब वोल्टेज सेम होता है तो वीएल की जगह लिखते हैं आई इंटू एक्सएल, वीसी की जगह लिखते हैं आई इंटू एक्ससी। तो ये एक्सएल बराबर एक्सी भी हो जाता है, यही कट जाता है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? एक्सी के, तो इसलिए आ जाता है। ठीक है, और जब सोचो एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो इस कंडीशन में कॉस फाई कितना आएगा भाई? तो कॉस फाई अब बचेगा आपके पास आर अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी की जगह भी एक्सएल रख देंगे तो क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्सेल हो जाएगा, यानी कि ये आंसर तो जीरो आ जाएगा जब बराबर हो जाते हैं, सिंपल सी बात, जीरो। तो कॉस फाई क्या बचेगा? ये बचेगा आर अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस जीरो, ये तो जीरो हो गया ना टर्म। आर स्क्वायर को रूट के बाहर लाओगे तो क्या बचेगा? आर बचेगा, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा आर अपान आर। जब इनको कट करोगे तो क्या बचेगा? वन। तो इसका मतलब कॉस फाई क्या बचेगा? वन। सो फॉर द रेजोनेंस द पावर फैक्टर विल बी वन। तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम है इस कंडीशन में, समझो वन, इससे ज्यादा पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।